दोस्तों पत्ता गोभी करी हमने सामग्री इस प्रकार के लिए हैं। आधा किलो गोभी लिए हैं, एक कटोरी बेसन है, प्याज है, मिर्ची है, अदरक है 1 इंच, और हमने ये 6-7 कलियां लहसुन ले लिए हैं, 2 छोटा छोटा प्याज है, और हमने 3 आलू लिए हैं बॉईल कर लिए हैं, और ये 3 टमाटर है, और ये मसाले हैं। सारे मसाले हम डालते समय आपको बता देंगे। अभी हम गोभी को कद्दूकस करेंगे। दोस्तों इसी तरीके से हम पत्ता गोभी को कद्दूकस कर लेते हैं और अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बना लेते हैं अच्छे से मिक्सर में। हमने पत्ता गोभी कद्दूकस कर लिए, अब हम सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम थोड़ा प्याज डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ, अभी हम अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल रहे हैं, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक, एक चम्मच गरम मसाला, अभी हमने 3 आलू लिए हैं, उबाल के हम गरम इसको मिक्स करेंगे। अभी हम अच्छे तरह से सारी सामग्री मिक्स कर लिए हैं, अब हम थोड़ा थोड़ा बेसन डालेंगे, जितना जरूरत रहेगा उतना ही डालेंगे। हम आटे के जैसा गूंथेंगे अच्छे से, एकदम सॉफ्ट डो बनाएंगे। दोस्तों हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, अब हम चल रहे हैं कोफ्ता फ्राई करने। दोस्तों हमने कढ़ाई रख दी है गरम होने के लिए, अभी तेल गरम नहीं है, तेल गरम होगा तब तक हम कोफ्ता बना लेते हैं। छोटा छोटा हाथ में पानी लगा के बना रहे हैं। दोस्तों तेल अभी गरम हो गया है, अब हम कोफ्ता डालेंगे। हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, हमने हाथ में पानी लगाया है। दोस्तों हमने कोफ्ता फ्राई कर लिए, ऐसे ही हम बाकी के फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, कितना सुंदर बना है, बहुत ही टेस्टी। जितना देखने में सुंदर दिख रहा है उतना ही टेस्टी भी है।
ऐसे ही हम बाकी के भी फ्राई कर लेते हैं। अभी हम कोफ्ते पूरा फ्राई कर लिए, अब हम ये बाकी के तेल निकाल देते हैं। तेल ज्यादा है, हम थोड़ा सा तेल निकाल दे रहे हैं। ये अंदाज से 3 चम्मच तेल होगा, 3 बड़ा चम्मच। अभी हम बारीक कट, अभी हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब फिर हम मिक्स करेंगे, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक हम मसाला नहीं डालेंगे। अभी अदरक लहसुन मेथी का पेस्ट ब्राउन हो रहा है, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। हम 2 बड़ा चम्मच सब्जी मसाला डाल रहे हैं, 1/2 कटोरी पानी में। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच जीरा डाल रहे हैं, जीरे पाउडर। अब हम अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन हो चुका है, अभी हम मसाला डाल रहे हैं। अभी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मसाला अच्छे से पक गया, अब हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। देखिए करी कितना गाढ़ा बन चुका है, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। अभी हम थोड़ी देर पकाएंगे करी को। पांच मिनट हो गया, मसाला अच्छे से पक गया, टमाटर भी अच्छे से पक गया। अभी हम नमक अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। हम फ्राई किए हुए कोफ्ता डालेंगे। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी कोफ्ता बना है, बहुत ही लाजवाब
आप जरूर बना के देखिए एक बार और टेस्ट भी कीजिए, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज एक बार जरूर ट्राई करके देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।